दोस्तों गमका का मेडिकल में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि चेस्ट एक्सरे में अनफिट कर दिया यानी कि आपके सीने के अंदर थोड़ा सा भी दाग रहता है तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं अनफिट कर देते हैं अगर आपका ब्लड टेस्ट वगैरह सारे चीज़ सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ आपके चेस्ट में थोड़ा सा भी अगर दाग उनको नज़र आता है चाहे उस दाग से आपको कोई नुकसान हो या ना हो बस उनको दाग दिखाई देता है गमका वाले लोगों का तो वो लोग अनफिट कर देते हैं तो दोस्तों अगर आप भी डरते हैं या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो मेरा वीडियो को पूरा देखिए मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते रहते हैं हमेशा तो दोस्तों देखिए सारे लोगों को टेंशन हो जाता है गमका का मेडिकल क्यों कराते हैं हम लोग हम लोग गल्फ मुल्क में जाकर काम करना होता है सऊदी जाएँ या ओमान जाए या कुवैत जाए या, या बहरीन जाए कहीं पर जा कर के अगर हमको काम करना होता है किसी कंपनी में जॉब के लिए तो गमका का मेडिकल कराना होता है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों अगर आपका भी ग्राम का मेडिकल होने वाला है और आप खुद डरते हैं कि हमारा चेस्ट के अंदर कोई दाग तो नहीं है या मेरे चेस्ट के अंदर दाग आ गया है वो रिपीट कर दिया अगर मेडिकल आपको तो बिल्कुल टेंशन मत लेना अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे बिल्कुल पास हो जाएंगे आप कैसे होंगे मैं बता रहा हूँ तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको डरना नहीं है आप पूरा हंड्रेड परसेंट बेफिक्र रहें पॉजिटिव माइंड रहे निगेटिव मत लेकर दिमाग में चले पहला दूसरा चीज़ आपको आपको मेडिकल कराने से कुछ दिन पहले से आपको डाब यानी कि नारियल का पानी पीते रहना है ठंडा चीज़ ज़्यादा नहीं खाना बिल्कुल नारियल का पानी भी ठंडा ही आता है लेकिन ठंडा ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना है कि जिससे आपको ज़्यादा कफ़ बना दे खांसी आपके आ जाए ठीक है ना उसके बाद आपको करना यह है कि जिस दिन आपको मेडिकल कराने जाना है उस दिन आप एक मध यानी कि हनी देख रहे हैं ना ये हनी का डब्बा आपको ले लेना है पचास ग्राम या सौ ग्राम अपने पॉकेट में रख लेना है उसके बाद जब आपको मेडिकल वाला बुलाएगा एक्सरे के लिए तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा कोई भी एस लेकर के बहाना लेकर के बाथरूम में चले जाइएगा ठीक है और जा कर के वहाँ पे पी लीजिएगा अपना मध जो हानि है ना पी लीजिएगा अब पीने के बाद आपको फिर पानी नहीं पीना है उसके बाद आकर के आप एक्सरे कराइए एक्सरे कराएंगे हंड्रेड परसेंट आपका वहाँ पे फिट हो जाएगा कोई दाग आपको नहीं आएगा अगर बड़ा कोई बीमारी नहीं रहा तो दोस्तों दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ऐसे गाम का मेडिकल वाले लोग ऐसे भी हो चुके हैं कि जो लोगों को ऐसे ही अनफिट कर देते हैं अनफिट नहीं करते ऑनलाइन नहीं चढ़ाएंगे लेकिन आपसे बता देंगे भाई आप अनफिट हो गए ठीक है ना तो क्यों क्यों आज के डेट में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि एजेंट बोल रहा है भाई हम साइड से पास करा देंगे ये करा देंगे वो करा देंगे पैसे के लिए पैसे की लालच के, के लिए तो एक थोड़ा सा बिजनेस बन गया है दूसरा चीज आप लोग दोस्तों याद रखिएगा एक लड़के के साथ में गमका के मेडिकल के नाम पे लोगों के साथ में धोखा भी हो रहा है यानी कि लोगों से बताया जा रहा है कि मैं गमका का मेडिकल कराने लेकर जा रहा हूँ आपको ठीक है और गमका का मेडिकल का पैसा ले लेता है वो लोग पाँच हज़ार छः हज़ार रुपये ले लेता है और नॉर्मल मेडिकल करा देते हैं वो लोग तो ये सारी चीज से आपको बचना है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना जितना हो सके शेयर करना थैंक यू सो मच फॉर